अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई, कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है कासिम भाई? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें ज्वाइन किया। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं व्यूवर्स को ये बता देता हूँ कि इस वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो का ये टॉपिक है कि जो आईटी से रिलेटेड बंदे हैं, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, उनको आज़ाद वीज़ा पे मूव करना चाहिए या नहीं? सऊदी में क्या उनको ये चाहिए कि वो आज़ाद वीज़ा पे अगर इतने पैसे लगा के आ रहे हैं, 10-12 लाख रुपए लगा के उन्होंने अगर मूवीज अरब कंट्रीज में करना है, तो अरब कंट्रीज में किसको, कौन सी कंट्री को चॉइस करना चाहिए? ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं करना तो किस कंट्री में जाना चाहिए? मगरिब कंट्रीज हो गई, जिसने यूके बंदा चला जाए या यूएस चला जाए या कनाडा चला जाए, तो ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो ये एक्सपीरियंस हमने कासिम भाई से ये लेना है कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है कि वो आज़ाद वीजा पे यहाँ सऊदीया में आए और इन्होंने सऊदीया ही क्यों चूज किया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई, कैसे हैं आप? तभी से ठीक है आपकी? वालेकुम सलाम। अल्लाह के शुक्र, सब ठीक ठाक। आप सुनाएं। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आपसे ये पूछना था कि पाकिस्तान में आप क्या करते थे, आपकी स्टडी क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या था वहाँ पे, पहले ये आप बता दें। ठीक मैंने मास्टर किया था कंप्यूटर साइंस, है, एक्चुअली पाकिस्तान से, वर्चुअल तो यूनिवर्सिटी से आपने किया था? ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। फिर इसके बाद मैंने फुल स्टैक डेवलपर की जॉब की, ये मुख्तलिफ दो तीन कंपनियों में, मतलब मेरा तकरीबन 3 साल का एक्सपीरियंस था पाकिस्तान के अच्छा, फुल स्टैक एज अ फुल एज अ स्टैक फुल डेवलपर आप स्टैक। काम कर रहे थे। तो जी फुल स्टैक डेवलपर आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस पे काम किया होगा? ठीक मैंने काम किया जावास्क्रिप्ट में, तो है, उसके फ्रेमवर्क रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और डेटाबेस में मोंगोडीबी। फिर आगे जी ठीक है, बेहतरीन हो गया। यानी कि फ्रंट एंड भी आप कर रहे थे, बैक एंड भी आप कर सकते हो एज अ फुल स्टैक डेवलपर हो, और मोंगोडीबी भी आपको आती है। जी अच्छा, तो अब वहां पे क्या था, मतलब कि आपको जॉब वगैरह नहीं मिल रही थी, क्या सीन था वहां की, क्या मार्केट आपको लगी कि नहीं यार मुझे मूव करना चाहिए? असल में ये जो चीज़ है ना, कि जो आजकल पाकिस्तान के हालात हो गए हैं, अच्छा, आपको भी बिल्कुल, जो मिनिमम जो सीनियर डेवलपर है वहाँ पे तकरीबन पे ले रहा है 90 to 1 lakh, ठीक है, ऐसे ही नाइन्टी है फिर। थाउजेंड या 1 lakh या 1 lakh से 1.5 lakh, तकरीबन इतना ही, मतलब एक सीनियर डेवलपर वहाँ पे ले रहा है। अगर उससे ज़्यादा सीनियर डेवलपर बनना है तो वो प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो तकरीबन पाकिस्तान में 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बंदे को बनने के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद सैलरी है 2.5 लाख रुपये, ऐसी ही है। फिर उसके बाद मतलब प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी अच्छी है, मतलब अगर बंदा कंसिडर करे अच्छा, पाकिस्तान अपने कंट्री में आप रहो और उधर ही, मतलब अब इधर बंदा आता है तो फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ पे सिर्फ यही है कि फॉरेन करेंसी होती है जिसकी वजह से बंदे को सैलरी अच्छे पैकेज मिल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से बंदा कहता है कि उधर मूव हो जाए। यानी कि इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हो कि क्योंकि आपको पता है रुपया बार बार गिरता जा रहा है, ठीक है, डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बिल्कुल बंदा ऐसा ये सोचता बाहर चला जाए। ये बाय। है कि वो क्या कहते हैं, वो बंदा अगर बाहर है तो पैसे की वैल्यू तो इंक्रीज होगी, हम जो भेजेंगे वो डबल होके जाएगा। ठीक है, ये इन शॉर्ट ये सीन है। बिल्कुल तो सही है, इसलिए सही। ये आपने सोच किया, यानी कि आपने चूज किया, तो आपने ये सोदिया ही क्यों चूज किया, आप दूसरे कंट्री में क्यों नहीं गए? असल में वजह यह है कि जो मिडल ईस्ट है ना, मिडल ईस्ट एक लिहाज से बेस्ट है, जिसमें सऊदी अरब हो गया और दुबई हो गया, कंपटीशन भी इधर बहुत ज़्यादा है और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं। ठीक है, जी, तो अब जैसे और आपको जो कितना अर्सा हो गया हाँ इधर जी, सऊदीया में? इधर मुझे 3 माह हो गए, 3 माह तकरीबन आपको यहाँ पे हो गए हैं। तकरीबन हो गए। ठीक है, और आपको जॉब की मार्केट कैसी लगी है, यानी कि अगर आईटी से रिलेटेड एज अ फुल स्टैक डेवलपर आपका एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, तो यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज नजर आई है या नहीं आई, क्या सीन है, रेफरेंस बेस्ड काम चलता है, या किस तरह लिंक्डइन पे भी आपने अप्रोच करने की कोशिश की होगी काफी कंपनीज को, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता था और किस तरह आप अप्रोच करते थे, ये सारी चीजें। एक जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये चीज़ है कि जो भी हमारे फॉरेन आते हैं ना इधर, मतलब पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या कहीं, तो उन्हें पहली बात ये पता नहीं होता कि जॉब्स की प्रोफाइल किन किन साइट्स पे बनानी है, ठीक है, ताकि
हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन की को प्रोफाइल का पता नहीं होता, लिंक्डइन की प्रोफाइल हमने किस तरह मतलब उसको ग्रो अप करना है, लिंक्डइन हो गया, इसके अलावा इंडीड हो गया, इसके अलावा नौकरी गुल्फ हो गया। तो ये तीन जो साइट्स हैं ना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेस्ट है ठीक है, नौकरी एक और आती। साइट है मैं ऐड कर देता हूँ, वो एक्सपेट्रिएट्स के नाम से, ठीक एक्सपेट्रिएट वो इधर है जो, क्या नाम है, सऊदी अरब के अंदर। है। और तो इसके ऊपर मैं पहले बता देता हूँ व्यूअर्स को, लिंक्डइन के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो कंप्लीट बनाई है, मे बी के वो हेल्पफुल हो क्योंकि मैंने बड़ा डिटेल में उसमें बताया हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन भी हो जाएगी। जी कासिम भैया, ज्यादातर आपने अप्रोच किया यानी कि ये गल्फ नौकरी के नाम से होगी, ठीक है, एक्सपेट्रिएट के नाम से होगी साइट, एक आपने लिंक्डइन सबसे मेन जो है मुझे तो वो ज्यादा लगा है लिंक्डइन, कि लिंक्डइन एक ऐसी जॉब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इजीली किसी को भी अप्रोच कर सकते हो, इवन कि आप मैसेज वगैरह भी कर सकते हो किसी एचआर को, ठीक है। जी दूसरी चीज ये है कि अगर देखा जाए लिंक्डइन पे तो पूरा सिनेरियो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन क्रिएट करो, कंपनीज को फॉलो करो, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती है उन्हें अप्रोच करने की कोशिश करो एज सून एज पॉसिबल। आप देखोगे कि 1 घंटे के बाद उसके ऊपर 200 एप्लीकेशन ने अप्लाई कर दिए, ठीक है, जिनमें ये सीन है, अगर 200 एप्लीकेंट ने अप्लाई किया ना, उसमें से मुश्किल से कोई 10 बंदे होंगे जो सऊदीया में बैठे होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा, बाकी 190 ऐसे हो जाएंगे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, बांग्लादेश में बैठे हुए अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है वो हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हालांकि हमें अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलनी चाहिए ऐसी। अच्छा, तो ये जो एक चीज मतलब इधर जो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, वो गलती करते हैं, वो ये चीज है कि जब भी हमने अप्लाई करना है ना, तो साथ में अपनी सीवी के साथ एक तो अपना अकामा लाजमी लगाना है, अकामा लगाने के साथ साथ सऊदी के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो साथ में आपने जहाँ जहाँ पे एक्सपीरियंस हासिल किया है ना, तो एक्सपीरियंस लेटर साथ में लाजमी अटैच करना, तो कंप्लीट एक सीवी प्रोफाइल आपने लाजमी बनाकर सेंड करनी है। और दूसरी जो बात मैं ये देखता हूँ कि सऊदी के अंदर जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है कि एचआर आपकी सीवी देखने साथ ही रिजेक्ट कर देता है अगर आपकी कंप्लीट प्रोफाइल ना हो, खास तौर पर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, जिसके साथ आपका एक पोर्टफोलियो अटैच ना हो जो कि आपने काम किया है। मिसाल के जी तौर पर एक फुल स्टैक डेवलपर है, तो अगर उसने जो जो फ्रंट एंड पे काम किया है, जो जो बैक एंड पे काम किया है, तो अगर उसकी एक गिटअप प्रोफाइल होगी, वो साथ अटैच होगी, तो वो एचआर उसे, हाँ ओबियसली एचआर उसे ओपन करके चेक करेगा कि मतलब कि क्या क्या चेक इसने करें, पुश या पुल पुश किया हुआ कोड अपना किस हाँ किस बिल्कुल लाइन पे, ऐसे ही। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, तो अब सबसे मेन जो क्वेश्चन है जो मेरे पास सबसे ज्यादा है वो ये आया है कि हम सऊदीया तो आ गए हैं, ठीक है, आप आजाद वीजे पे आए हो ऐसे ही है, ठीक है, अब आजाद वीजे पे आप क्यों आए हो, आपने आजाद वीजा ही क्यों लिया, आपने वहां पे बैठ के कंपनीज को अप्रोच नहीं किया कि मतलब कि कोई आपको कोई जॉब मिल जाए और वो आपको यहाँ पे बुला ले, इस तरह का कोई सिनेरियो है कि नहीं? मेरे असल में मेरे पास ये है कि जिस तरह काफ़ी स्टूडेंट्स अप्रोच कर रहे होते हैं, मेरा भी सेम यही था कि मेरे पास रेफरेंस नहीं था। अब अच्छा, इधर भी मैं आया हूँ तो मेरे पास रेफरेंस नहीं था, ठीक है, तो मैंने इधर अप्रोच करके जॉब हासिल कर ली। वो जॉब अच्छा, कैसे हासिल हुई, यही साइट्स पर अप्लाई करते रहे हैं। तो जैसे भी अब उधर हम थे तो हमें कॉल नहीं आती थी क्योंकि हम पाकिस्तान में थे, एग्जैक्टली, तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि हम स्पॉन्सर भी करें, वीज़ा भी प्रोवाइड करें। बहुत ही चंद एक कंपनीज होती हैं जो अच्छी कंपनीज हों तो वो वीज़ा भी दे देती हैं, साथ में स्पॉन्सर कर देती हैं सीधा पाकिस्तान, इंडिया और सऊदी। लेकिन आपने अगर अच्छी डायरेक्ट ही जॉब हासिल करनी है तो इतना इंतज़ार करने के बजाय आप यही है कि आज़ाद वीज़ा हासिल करें और आके इधर, वो फिर ये है कि एक मांगते लक हैं है जो एचआर मतलब इकामा कि एग्जैक्टली ट्रांसफरेबल मांगते हैं, ऐसी है, यानी कि एक लक है, एक आप रिस्क ले सकते हो कि मतलब कि आप यहाँ रिस्क पे ले। आओ। और लेकिन जो बंदा पढ़ा लिखा है तो मैं यही कहूंगा कि बंदा रिस्क लेगा तभी तो आगे कुछ बनेगा। अगर बंदा रिस्क ही ना ले लाइफ में, एग्जैक्टली, बस सोचता रहे कि मतलब कि करना है सोचता कुछ, रहे, एक्शन नहीं करेगा तो फिर तो कुछ नहीं होने लगा। ऐसे ही एग्जैक्टली। तो अभी यानी कि आपने काफी ज्यादा सर्च किया है जॉब से रिलेटेड, तो आपको कौन सी जी मार्केट लगी है कि किस पे ज्यादा आजकल जॉब्स निकली हुई हैं सऊदी में? सऊदी में जो आईटीज के अंदर सबसे ज़्यादा मार्केट है ना वो है क्या नाम है, फुल स्टैक डेवलपर के अंदर, डॉट नेट डेवलपमेंट की
और जावा जावा डेवलपर। ठीक, यानी कि ये मैंने जो मतलब इधर आके देखा है कि मार्केट के अंदर के सबसे ज्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं सऊदी के अंदर वो आईटीज के रिलेटेड, वो डॉट नेट डेवलपमेंट, और साथ में दूसरी जो है वो जॉब है क्या जावा नाम है इसकी, जावा में एग्जैक्टली जावा डेवलपर, जावा फुल स्टैक डेवलपर। तो अच्छा, आजकल एक बूम चला हुआ है उधर पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंटिस्ट, तो यहाँ पे उसकी कोई जॉब्स वगैरह है? आपको क्या लगता है, कोई आपने देखा हो, आपने काफी सर्च किया है इस चीज़ असल को? में जो डाटा साइंस का काम है ना वो ज्यादातर है R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। तो एग्जैक्टली ऐसी है। यहाँ पे इतनी वो जॉब अपॉर्चुनिटीज डाटा साइंस के अंदर नहीं है ठीक है, ज्यादा, वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादातर यूरोप के अंदर अमेरिकन के अंदर है। तो ठीक है, इस लिहाज से मतलब इधर भी इंडिया पाकिस्तान और मतलब एशिया के अंदर जो है और इधर मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो ज्यादातर जॉब अपॉर्चुनिटीज इस फुल स्टैक डेवलपमेंट में ठीक है। सबसे ज्यादा अच्छा, आपने कहा कि मतलब कि डॉट नेट और जावा की यहाँ पे ज्यादा मांग है जावा डेवलपर। जावा जी डेवलपर की, तो आपको क्या लगता है कितना सैलरी पैकेज इनको मिलता है? अकोमोडेशन तो कंपनी की तरफ से मिलती है ना, वो बिल वगैरह भी हाँ खुद ही पे वो करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, अलाउंस वगैरह वो ले लो या एक अकोमोडेशन ले लो, तो जी उसमें बिल्कुल ऐसे सैलरी पैकेज का क्या सीन है? सैलरी पैकेज जो एक जूनियर डेवलपर है ना जो फ्रेश आएगा या जिसका 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो जूनियर डेवलपर 3,000 से 5,000 सऊदी रियाल ले रहे। ठीक है, ठीक है, हाँ और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा तो सऊदी के अंदर एक सीनियर डेवलपर को 15,000 से लेकर 20,000 तक पे कर रहे। अच्छा ठीक, यानी कि अगर हाँ तो 7-8 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप हाँ एक बहुत सीनियर बिल्कुल अच्छी और ऐसे ही है, हैंडसम अमाउंट यहाँ पे आके कमा सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही। आगे सबसे मेन चीज मुझे जो ये लगी है कि अगर आप सऊदी में आए हो, ठीक है यार आपने स्टार्ट ले लिया है, ठीक है आप फौरन आ गए हो, तो यहाँ पे आप कुछ अरसा स्टे करो, ठीक है अपने आप को थोड़ा स्टेबल करने के बाद यहाँ से मूव कर जाओ दूसरे कंट्री में, ऐसे ही है। जी कि मोस्टली मैंने देखा है कि जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उन्होंने 2-3 साल लगाए हैं, उसके बाद वो मूव कर गए। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको क्या लगा है कि मतलब कि आपने जो अप्लाई किया है डिफरेंट कंपनीज में, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है? पहले तो ये, क्या उसी फील्ड में आता है या आपने कोई अपने पोर्टफोलियो में चेंजिंग किया है? या जाहिर बात है 3 माह अगर आपने स्टे किया है, ठीक है अपने भाई के पास या कहीं पे भी, तो वहां पे आपने अपनी सेल्फ लर्निंग की है कि यार इसकी मार्केट ज्यादा चल रही है तो उस पर मैंने काम करना है, तो ये मेरी लर्निंग होनी चाहिए ताकि मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकूं, क्या क्या राय है आपकी? तो एक पहली बात यह है कि जो भी मतलब पाकिस्तान से आता है या इंडिया से आता है इधर, तो अगर वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट कंपनी से आता है, सर्विस बेस्ड कंपनी से आता है, तो ये चीज़ है कि ये मिडल ईस्ट वाले पाकिस्तानी एक्सपीरियंस को नहीं लेते। ओके, हाँ ये सिलेक्ट ही नहीं करते जब आपका मतलब जो भी आपकी कंपनी ऐड होगी, कंपनी के साथ आपका पाकिस्तानी एक्सपीरियंस लगा होगा, तो ज्यादातर मिडल ईस्ट में यही है कि वो जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो उसे सिलेक्ट करेंगे जिसका इधर मिडल ईस्ट के अंदर, चाहे वो बहरीन हो जाए, चाहे कतर हो जाए, ओमान हो जाए, सऊदीया हो जाए, दुबई हो जाए, जिसका इधर एक्सपीरियंस होगा उसे ये सबसे ज्यादा प्रेफर करें। तो दूसरी इवन कि जी ये मेरे साथ भी हुआ है। मैंने बेसिकली अप्लाई किया था कहीं पे, उसने सबसे पहले मुझसे ये पूछा आपका सऊदी में कितना एक्सपीरियंस है, मैं पाकिस्तान के सऊदीया के साथ, अंदर। तो मैंने उसे हाँ कहा बिल्कुल मेरा ऐसे साल ही। का एक्सपीरियंस है, ठीक है उसने कहा हाँ अच्छा जी ठीक है ठीक है, यानी कि उस बंदे ने पहले ये चेक किया है मेरी CV के अंदर कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है सऊदी मार्केट में, मैंने वहां पे मेंशन किया सऊदी होता है एक साल मार्केट का, बिल्कुल मेरा ऐसे। ख्याल है फिर उसने मुझे कॉल बैक किया या कोई रिस्पॉन्स किया होगा CV देखने के बाद, नहीं तो उसने मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं करना, तो उसने कहा इस बंदे का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है एक्सपीरियंस इस नहीं। बंदे को साइड पे करो दूसरी CV लेके आओ, हाँ ठीक हो गया। तो तो जी जी मैं एक चीज ऐड के, एक ये चीज के आपका एक्सपीरियंस मतलब सऊदी मार्केट का होना चाहिए। दूसरा अगर आपने एज अ फ्रेश जॉब लेनी है तो आपके पास आपके काम जो आपने काम किया है फुल स्टैक डेवलपर के अंदर, तो उसमें आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए जो आपने काम किया, तभी HR आपकी प्रोफाइल देखेगा, तो वो आपको लाजमी लिंक्डइन पर या नौकरी गोल्फ या इंडीड पर आपको लाजमी वो अप्रोच करेगा। ठीक है, बेहतरीन हो गया। अच्छा अब आते हैं आपकी तरफ,
ठीक है, आपने काफ़ी कंपनीज को रिस्पॉन्स यानी कि अप्रोच करने की कोशिश की उनकी तरफ से, क्योंकि मैं आपके साथ ही था, आपको रिप्लाई करता रहता था हर चीज़ से रिलेटेड, तो मतलब कि उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आता था कुछ, अगर रिस्पॉन्स आया तो वो आपकी फील्ड से टोटली चेंज था जिस पे आपने काम नहीं किया हुआ था, देन अभी आप कहाँ पे काम कर रहे हो, कौन सी कंपनी है और आपको जॉब कैसे मिली है, ये सारा कुछ। तो सबसे पहले जब मैं आया इधर, मैं वैसे सऊदीया में आया था 22 फरवरी, 22 फेब 2023। ठीक है, तो आज जो डेट है वो 17 जून है, या तो 17 जून हो चुकी है। तो इन 3 माह जो मेरे पीछे 3 माह गुजरे हैं, तो मैं रोज डेली अप्रोच करता था कंपनीज को, अप्लाई ठीक करे तो मेरी सीवी रिजेक्ट हो जाती थी क्योंकि मेरे पास गल्फ का है, एक्सपीरियंस ही नहीं। हालांकि एग्जैक्टली मुझे काम आता था इसमें फुल स्टैक डेवलपर के अंदर एज अ ठीक है मन स्टैक डेवलपर, ठीक है, लेकिन मेरी सीवी रिजेक्ट हो जाती थी क्योंकि मेरे पास मिडिल ईस्ट का एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, तो ये चीज, फिर उसके बाद अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता साथ में प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, मैंने पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दिया, प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। तो फिर मैंने साथ साथ अप्लाई किया, तो उसके बाद जो मैंने मार्केट में देखा, मार्केट के अंदर इस लिहाज से भी सेचुरेशन है कि वो सीनियर डेवलपर उसे लेना चाहते हैं जिसके पास या तो सऊदी मार्केट का एक तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, दूसरा उसके पास चाहे वो इंजीनियर है चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से है उसके पास ये लाइसेंस होना लाजमी चाहिए, ये जो कार लाइसेंस, ठीक है, ठीक क्योंकि कार लाइसेंस का होना आपके पास ए प्लस पॉइंट होता है जो किसी भी जॉब हासिल करने के, किसी भी कंपनी के अंदर। अच्छा ठीक है, हाँ ये बहुत कई बार ऐसी जॉब एडवर्टाइजमेंट आई होती हैं चाहे वो इंजीनियर की हो जाए चाहे जो, उनके साथ में वो लाजमी लिखा होता है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कार का, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक हो गया, तो बेहतरीन हो गया, मेरा ख्याल है सेशन को एंड अप करते हैं। ठीक है, आई बिल्कुल थिंक ऐसे जितनी लंबी वीडियो बन गई है, तो वीडियो आई बहुत थिंक ज्यादा जितने, लंबी हो जाएगी। और दूसरा यह है कि आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है कि मतलब कि आज़ादी हाँ से रिलेटेड कि क्या सीन है यहाँ पे मिडल ईस्ट में। ठीक है, बिल्कुल, मिडल ईस्ट में खास तौर पे सऊदीया में, क्योंकि दुबई का तो सऊदी हमें में आइडिया नहीं है कि वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है जॉब्स की और किस तरह की मार्केट है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर योर टाइम। थैंक यू। आई थिंक ये वीडियो, मेरा ख्याल है एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इस वीडियो के ऊपर, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज।